सब्सक्राइब करें हमारा भारत चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे किसानों के लिए सबसे बेहतर ट्रैक्टर कौन सा है, कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और किसको खरीदना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ट्रैक्टर के कीमतों के बारे में कि भाई तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक तो कीमत है, नंबर दो ट्रैक्टर का माइलेज है और नंबर तीन ट्रैक्टर की लाइफ कैसी है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं भाई, टैफे है, महिंद्रा है और आपका टैफे में भी दो तीन है, मैसी है, आयशर है और टैफे ग्रुप में कई कंपनियां हैं, स्वराज है, न्यू होलैंड है, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, मैसी है और तुम्हारा जॉन डियर है। तो ये सारी कंपनियां अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करती हैं, कोई कुछ नया लेके आता है, कोई कुछ नया लेके आता है, सब चीज अपनी अपनी जगह सब चीजें अपग्रेड करते हैं, नई चीजें लेकर आते हैं। अब इस अपग्रेडेशन में किसके लिए क्या बेनिफिट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बता देता हूँ, सबसे पहले डिपेंड करता है आपका काम। दोस्तों आपका काम कैसा है, अगर आपका काम कम है, अगर आप अपने लिए ट्रैक्टर लेते हैं, आप ट्रैक्टर किराए पे नहीं चलाते हैं, दूसरों के यहाँ नहीं चलाते हैं या ज़्यादा हैवी काम नहीं है, ज़्यादा लोडिंग का काम नहीं है, तो आपके लिए सबसे छोटा ट्रैक्टर बेस्ट है। छोटा ट्रैक्टर आप ले सकते हैं, 27 HP, 30 HP, 35-40 HP तक आप ले सकते हैं। अब आती है कंपनी की बात कि कंपनी कौन सी लें। तो कंपनी आप बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, किसी को एक को भी चुन सकते हैं जो आपकी पसंदीदा हो। सारी कंपनियां अच्छी हैं, किसी के ट्रैक्टर माइलेज अच्छा देते हैं, किसी के ट्रैक्टर एवरेज कम देते हैं, किसी के ज़्यादा देते हैं, कोई रोटावेटर पे अच्छा काम करता है, कोई मशीन पे, कोई हार्वेस्टर पे। तो ये तो देखिए आपके डिमांड के अकॉर्डिंग काम करता है कि भाई आपकी डिमांड कैसी है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा HP का आप ट्रैक्टर ले सकते हैं और कंपनी आप चूज वो करें जिसके ट्रैक्टर में आपको सारे फीचर अपने अकॉर्डिंग मिल जाएं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लिया आप एक ट्रैक्टर ऐसा लेना चाहते हैं जो कि आप किराए पे भी चलाते हैं, आप चाहते हैं अपना भी मैं खेत जोतूं, अपने भी बुआई करूं और उसके साथ साथ मैं किराए पे भी उस ट्रैक्टर को चलाऊं। तो उसे चलाने के लिए आपको देखिए थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, 55-60-50 HP तक का ट्रैक्टर चाहिए, 50 से मतलब अबाव ही चाहिए, 50 से ऊपर का जो ट्रैक्टर आप HP में लेंगे वो ट्रैक्टर आपको सही रहेगा क्योंकि आपको अपना भी काम करना है औरों का भी करना है, यानी ट्रैक्टर चलते रहना चाहिए। तो उस केस में आप ज़्यादा HP का ट्रैक्टर लेंगे, कम काम है तो कम HP का ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। कंपनी सारी ही बेस्ट है, किसी कंपनी को मैं गलत नहीं कहूँगा। देखिए अपनी अपनी पसंद है, स्वराज अपनी जगह है, वो भी अच्छा ट्रैक्टर है, महिंद्रा भी अच्छा ट्रैक्टर है, आयशर भी अच्छा ट्रैक्टर है, टैफे भी, बहुत सारी कंपनियाँ सारी अच्छी ट्रैक्टर हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका काम कितना है कैसा है उसके हिसाब से जाकर पहले कंपनी चूज करें, पहले ट्रैक्टर चूज करें कि भाई इतने हॉर्स पावर का लेना है, फिर उस हॉर्स पावर में देखें कि हमारा काम क्या है। भाई हमारा काम है हमें केवल भाई लोडिंग करनी है कि भाई कुछ सामान यहाँ से ढोकर दूसरी जगह डालना है, तो उसके लिए आप छोटा ट्रैक्टर भी ले सकते हैं 40 HP तक, 45 HP तक का। अब कंपनी में, तो कंपनी में देखिए स्वराज अच्छा है लोडिंग के मामले में, मैसी भी बहुत अच्छा है, मैसी फर्ग्यूसन और भी कई ट्रैक्टर हैं, जॉन डियर वगैरह भी सही है, लेकिन कुछ ट्रैक्टर आगे से उठ जाते हैं, कुछ नहीं उठते हैं। तो डिपेंड ये सारी चीज़ें इन पे करती हैं। तो आप जो भी ट्रैक्टर लें तो एक बार देखभाल कर लें फिर आप ट्रैक्टर खरीदें। तो अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में ले, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।